बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट जो लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी, जैसे जनरल नॉलेज का पेपर होता है, असिस्टेंट का, जूनियर क्लर्क का, ज़िलेदार है, अकाउंटेंट है, इसके अलावा जैसे एक जनरल पेपर होता है, जिस तरह एक असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट थी उसकी तैयारी कर रहे हैं जनाब। एक हमने एक पहले लेक्चर भी अपलोड किया था, आपको पता है कि मैथ का एक लेक्चर अपलोड किया था, लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज बेसिक मैथ के ऊपर लेक्चर नंबर टू है हमारा, और उसके ऊपर हमें रिस्पांस बहुत अच्छा दिया स्टूडेंट ने। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो जनाब आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है मैथ के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सिर्फ एक गुजारिश ये है करनी थी आपसे कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो कहते हैं जी आपके सर, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत लो है, उसको समझ नहीं आती, नज़र नहीं आता। तो जनाब आपको पता है कि YouTube के ऊपर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो लेकिन ये ऐसा ऐसा जो है ना, इसके ऊपर मैं इसको कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला एक वक्त में ऐसा हो जाएगा कि वीडियो क्वालिटी बेहतरीन हो जाएगी। तो हमारे पास फिर इतने सोर्स भी नहीं है वो, जो एक लेक्चर को मतलब है प्रॉपर तरीके से किया जाता है, वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर वाले बंदे के पास टाइम कहाँ होता है इन सारी चीज़ों को सेट करने के लिए। तो खैर, आपको एक असल में आपने आवाज़ सुनी है, और आपने जो है जो किताब सामने आपके पास पड़ी होती है उसको आपने देखना होता है। उसको देखने के बाद जब आप किताब के ऊपर देखेंगे और आवाज़ सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो जनाब मैं वैसे पूरी कोशिश करूँगा कि क्वालिटी जो होगी वो सही होनी चाहिए, जो आपको भी समझ आनी चाहिए। तो जनाब क्वेश्चन लेक्चर नंबर टू मैथ के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जाने। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जो है 12-10 से एक दो ज़्यादा हो जाएँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये वो सवाल हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो PPSC के मॉडल पेपर हैं या PPSC के जितने भी पेपर हो चुके हैं उसमें से जो पूछे गए सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, मैंने वो सवाल वहाँ से निकाल के लेकर दिया करूँगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो जनाब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जानिब। जी हाँ जी जनाब, PPSC बेसिक मैथ लेक्चर नंबर टू पहला सवाल जनाब मैं लिख रहा हूँ जी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर जनाब जो पहला क्वेश्चन है वो जनाब इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये जनाब आपके पास माइनस है 8 और इसकी पावर है जनाब 4। ये देखिए -8 की पावर 4। जनाब आपको पता है कि आप जब एक चीज़ याद रखिएगा कि जनाब जब माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो जवाब प्लस में आता है, और जब माइनस मल्टीप्लाई होगा जमा के साथ तो जवाब माइनस आएगा, जब जमा मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो जवाब फिर भी माइनस, और जब जमा मल्टीप्लाई होगा जमा के साथ तो जवाब प्लस में आएगा। अब यहाँ पर जो है माइनस जो है 4 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब माइनस जो है इवन में डिवाइड होगा, इवन में मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या आएगा, प्लस में आएगा। जब ओड में डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आपके पास माइनस में आएगा। कैसे आएगा जनाब देखें जी, देखें जी -8 मल्टीप्लाइड बाय -8। देखें 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आ जाएगा 64। अब मैंने अभी पहले लिखा था कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब प्लस का 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किया है, यहाँ पर बात पावर 4 का मतलब यह है कि -8 मल्टीप्लाइड बाय -8 मल्टीप्लाइड बाय -8 मल्टीप्लाइड बाय -8, ये जहाँ पर आपने जवाब निकाला इसका मतलब है -4 बार मल्टीप्लाई होगा। अब फिर हम अगर इसको माइनस करें, -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब क्या होगा, क्योंकि ऊपर तो प्लस है और प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जा होगा तो जवाब क्या आएगा, माइनस में आएगा। 8 चौक 32, 2 कैरी आ जाएगा आपके पास, 8 छः 48 और 3 51 512। अब क्या होगा, ये भी ख़त्म हो गया, यानी ये दो जो है ये वाले हो गए और तीसरा ये हो गया। अब चौथा करते हैं, ये आखिरी वाला। अब जनाब माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है -8 -512 के साथ। आप देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 16 आंसर 1
8 1 8 और 1 9 8 45, यहाँ पर जनाब प्लस में 44 96 आ जाएगा। असल में उसने जो जवाब पूछना है, जवाब जो आंसर आएगा पेपर के अंदर दिए होंगे ऑप्शन, उसमें दिए होंगे जनाब 40 96 -40 96 और बाकी भी ऑप्शन होंगे। तो आपने देखा है कि यहाँ पर हमने जब क्या निकाला है, प्लस में 40 96। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जनाब, इफ एक्स बराबर है 4k, वाई बराबर है 2k, देन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो। जी हाँ, हम क्या करेंगे जनाब, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी मौजूद है और वाई की वैल्यू भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखें जी, हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्या, x की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस y की 2 दी हुई है, तो हम इसी का स्क्वायर ले लेंगे डायरेक्ट। x की हमारे पास 4 है और y की 2 है, तो स्क्वायर हो जाएगा, इसी को हम अब ओपन कर देंगे। अब देखें क्या जवाब आ जाएगा, 4 और 2 कितने हो जाते हैं 6, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 2, जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा 36। इंतहाई आसान सवाल है, ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पीपीएससी की मैथ के सवाल जो होते हैं वो छोटे छोटे सवाल होते हैं और ऐसे लग रहा होता है कि बिल्कुल आसान है, लेकिन बाद वक्त इंसान उनको गलत करके आ जाता है, तो आपने अच्छी तरह समझ करना है। तो क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जी हाँ, ये हमारे पास जनाब 100 / 1 लाख, वो कहते हैं आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें, ठीक हो गया, यानी आपने इसको डिवाइड में रखना। देखें जी, हमारे पास इसको हम पहले सोल्व करेंगे, ये हमारे पास 100 है और ये हमारे पास 1 लाख है। देखें ये 2 सिफरी जो है इससे कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1000, ठीक है। असूल के मुताबिक आप क्या जानते हैं, देखें जी, असूल के मुताबिक आप जानते हैं कि जब आप उसको इसमें तब्दील करते हैं, कैसे, ये आपके पास यहाँ पर 1 मौजूद है तो ये 0 इसकी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आप 1 लिख देंगे, आप आगे 2 सिफरियाँ, लेकिन इधर अदद नहीं है तो आप आगे 2 सिफरी लगा देंगे। 1 जो होता है वो पॉइंट के बराबर होता है, जब ऊपर होता है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 0.001 जवाब आ जाए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हुआ या अगर समझ नहीं ना आए, आप कमेंट्स करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा मजीद। तो क्वेश्चन नंबर जनाब 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 4 है। अली सोल्ड हिज कार ₹45,000, ही हैड एयरलेयर बॉट इट 80,000। कहते जी अली ने कार सेल कर दी है 45,000 रुपये की, लेकिन इससे पहले उन्होंने यही कार 80,000 में खरीदी थी। देखें, एक बंदे ने जब 80,000 की चीज़ 45,000 में सेल कर दी होती है, इसका मतलब है 7,000 दिखा दे रहा है कि उसको नुकसान हुआ है। वो कहता है उसकी परसेंटेज वो फाइंड करें जो उसको लॉस हुआ है। जी हाँ, अब आपको सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे आप देखें सेल प्राइस है जनाब 45,000 और उसकी जनाब कास्ट का मतलब जो उसने खरीदी थी वो आपको पता है कि 80,000 है। यहाँ पर आप लास्ट उसका फाइंड करें, लास्ट कितना हुआ, 80,000 की चीज़ थी जनाब और 45,000 में सेल कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि उसको जनाब जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 35,000 रुपये। अब उसने कहा है कि आप परसेंटेज ऑफ लॉस मालूम करें। परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे मालूम करेंगे जनाब, उसका फार्मूला होगा आपके सामने, आपने उसको कैसे फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस भी कह सकते हैं और इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। जी हाँ, इसका क्या फार्मूला, जी हाँ, आप यहां पे क्या लिखेंगे, लॉस या प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको दोनों सूरतों में करना है। अगर ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों सूरतों का एक ही फार्मूला है। लॉस प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगी जनाब ओरिजिनल प्राइस मतलब है कि जो उसने खरीदी थी, या कास्ट प्राइस भी लिख सकते हैं आप इसको, और मल्टीप्लाई कर दें यहां पर 100 के साथ। जी हाँ, आपको समझ आ रहा होगा फार्मूला। देखें जी, परसेंटेज ऑफ लॉस या प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो है लॉस या प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस या कास्ट प्राइस मल्टीपल बाई 100। अब देखें इसी फार्मूले के तहत उसको लॉस हो रहा है 35,000 रुपये और उसकी टोटल प्राइस थी जनाब 80,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 100 के साथ। ये दो सिफरी जनाब इसे कैंसिल कर देंगे आप और इसके बाद जनाब बाकी जो सिफरी मौजूद हैं आपके पास दे दो सिफरी जनाब कैंसिल हो जाएंगी इन दोनों के साथ। अब जो फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 350/8, ठीक हो गया। अब 350 को आपने डिवाइड करना है, कैसे करेंगे डिवाइड जनाब, इधर बना लेते हैं कि 350 तकसीम 8 कर दें, 8 चौक 32 जनाब यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ऊपर से एक कैरी सिफर कैरी लेंगे, 8 3 24 यहाँ पर जनाब बाकी 6 बच जाएंगे सिफर। अब जो है 7 के ऊपर 8 के 6 के ऊपर तकसीम नहीं होता, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो जनाब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 56, बाकी 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा और एक सिफर लगा देंगे तो 8 2 5 40 तो जवाब गलत हो जाए, ये जवाब ख़त्म हो गया। इसका मतलब हुआ उसका जो जवाब आ रहा है वो 43.75%, ये जनाब लॉस हुआ इसको 43.75% लॉस हुआ। इस सवाल की उम्मीद है आपको समझ आ गई इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 5 है, 5 क्वेश्चन है जनाब। ए मैन सेव ₹500 विच इज 15% ऑफ हिज एनुअल इनकम, यानी कि एक आदमी ने ₹500 बचत किया है जो कि 15% उसकी सालाना इनकम का 500 है पर, और सालाना इनकम यानी कि जो उसकी है उसका 15% उसने लिया और वो 500 बन गया। अब वो कहता है कि टोटल इनकम कितनी होगी, इतना मुश्किल सवाल नहीं है जनाब। देखें जी यहाँ पे आप लिखेंगे जनाब सेविंग, सेविंग उसने की है कितने ₹500, ठीक है, और ये 500 किसके बराबर है, 500 बराबर है जनाब 15% के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जनाब करना है इधर आप लिखते हैं बल्कि सेविंग यहाँ 500 सेविंग बराबर लिखते हैं यहाँ 15%, 15% का मतलब है कि 15/100 लिख दें या 15% लिख दें, बात एक ही है। इधर भी आप लगा दें 1, ठीक हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब हो जाएगा कि हमने ₹500 जो इनकम हुई है उसको 100% पे कन्वर्ट करना है। 100% पे कन्वर्ट करने के दो तरीके होंगे, पहला तरीका ये है जनाब कि अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये क्या हो जाएगा 500 की बजाय 50,000 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 15। जब आप इसको जनाब आप करेंगे तो जवाब आपके पास कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए तो टोटल इसकी जो इनकम बनती है वो जनाब 3334 रुपये बनती है। एक तरीका आपके पास ये है, दूसरा तरीका ये है कि जो ₹500 है जनाब वो है 15% इसके बराबर है 15%। अब आपने इस 500 को 100% पे कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे जनाब कि 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 यानी उलट हो जाएगा। देखें जब आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास ₹100 है, मैं कहता हूँ जी ₹100 का 15% मुझे दे दो तो आप मुझे कितने पैसे देंगे, ₹15 दे देंगे। अब मैं आपको ये कहता हूँ ये जो ₹15 मुझे आपने दिए हैं ये आपके 15% हैं, अब मैं आप क्या करेंगे, जैसे आपने किया होगा उस वक्त कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 100, 100 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब ये 15 जो आपने मुझे दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो ₹15 जो आपने मुझे दिए हैं ये तो 15% है, इसका 100% क्या होगा, ये वाली देखें आप ये वाली ये उलट हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली उलट कर देंगे, पहले 15/100 था अब क्या कर देंगे 100/15 तो जवाब जनाब 100 आ जाएगा पूरा, ठीक समझ आ गई बात की। इस तरह से जनाब आपने चलना है तो इसको आपने कन्वर्ट किया जवाब आपको ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास है 6, द नंबर हुज 9% इज 63, यानी एक नंबर है उसका लिया गया है जनाब 9% उसका लिया गया है तो जवाब बना 63। वो कहता है कि वो कौन सा नंबर है जिसका 9% लिया गया और 63 बन गया। अब आपने कैसे करना है, देखेंगे सबसे पहले ए ऑप्शन है 9
900 बी में 800 है, सी में 700 है, डी में 600 है। अब आपने हर किसी पे ट्राई करना है। कैसे ट्राई करेंगे जनाब? पहले ए पे 900 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 100, 9% का मतलब है 9/100। तो जनाब दो से फ्री ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, जवाब जवाब क्या आ जाएगा? 81। तो वो जवाब 63 है। इसका मतलब है ए ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। बी पे चलते हैं जनाब, बी ऑप्शन पे ट्राई करते हैं। बी पे जनाब 800 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 100, सिफर सिफर से कैंसिल हो जाएंगी, तो ये जनाब बन जाएंगे 72। तो ये जनाब ऑप्शन बी गलत। सी पे चलते हैं जनाब, 700 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 100, दोनों सिफरें ऐसे कैंसिल हो जाएंगी, जवाब आ जाएगा 63। देखें ये भी आपके पास 63 आ रहा है और ये भी 63 आ रहा है। इसका मतलब है ये जनाब सी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जनाब हम चलते हैं जनाब 7 पर। क्वेश्चन नंबर जनाब चलते हैं 7 पर। विच कम नेक्स्ट इन सीरीज 87, 90, 84, 88, 81। अब आपने क्या करना है? देखिए जी, सबसे पहले इन दोनों का फर्क देखना है। इन दोनों का फर्क जनाब 3 का है। इन दोनों का फर्क देखेंगे तो वो जनाब 6 का बन रहा है। इन दोनों का अगर फर्क देखते हैं तो वो जनाब 4 का बन रहा है। इन दोनों का फर्क देखते हैं तो वो जनाब तकरीबन 7 का बन रहा है। अब देखें 3 और 6 का फर्क, आगे फिर 9 आता, फिर आगे 12 आता, तो फिर तो हम कहते हैं कि ये जनाब फर्क, इसका मतलब है कि सिंगल सीरीज है और ये सही है। इसका मतलब ये फर्क जो इकट्ठा है इसका वो बिल्कुल सेम नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है ये डबल सीरीज होगी। इसको आप ख़त्म करें। अब डबल सीरीज कैसे होती है कि पहली जो होगी वो दूसरी की होगी, दूसरी तीसरी की होगी, और दूसरी चौथी की होगी, चौथी आगे फिर होगी। अब देखें 87 और 84 का देखते हैं, इनका दरमियान कितना फ़र्क है? 3 का फर्क है। 84 और 81 में भी 3 का डिफरेंस है। 90 और 88 में कितना फ़र्क है? 2 का। ठीक हो गया। देखें 87, 88, 84 आ गया। 84 के बाद क्या आ गया हमारे पास? 81 आ गया। अब इधर से आप मुझे ये बताएं, अब किसकी बारी आएगी? अब दूसरी वाले की बारी आएगी। 90, 88 आ जाएगा, यानी इसका ये पहला मौजूद है, ये दूसरा मौजूद है, इसका ये पहला मौजूद है, दूसरा नहीं है, तो दूसरा इसके पहले लगाएंगे। जब इधर नीचे डिफरेंस फिक्स है तो 3-3, ऊपर 2-2, तो 88 का डिफरेंस पीछे करेंगे 2, तो फिर वो 86 बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जनाब 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 8वां है हमारे पास, 7 पहले हो गए थे। कहते जी 20 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, 20 बंदे एक काम को 40 दिन में ख़त्म करेंगे। 10 मैन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। जनाब आपको पता है ये प्रोपोर्शन के सवाल हैं, और प्रोपोर्शन के सवाल जब इस तरह के आते हैं तो कल मैंने एक बहुत ही आसान सा फार्मूला बताया था, और उम्मीद है आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे जनाब? आप यहाँ लिखें मैन, यहाँ लिखें डेज। ठीक हो गया। 20 बंदे एक काम को ख़त्म करेंगे 40 दिन में। 10 दिन में कितने बंदे काम करेंगे ख़त्म? तो जनाब कैसे आप करेंगे? मैंने आपको क्या ये कहा था कि जिस साइड पे x होगा वो डिवाइड होगा। x नीचे साइड पे होता है हमेशा, तकरीबन यही देखने में आया है, तो वो नीचे वाला ही डिवाइड होगा। क्या कैसे करेंगे? 20 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 10, x हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। तो जनाब सिफर इससे कैंसिल हो जाएगी, 40 × 80। 80 दिन में जनाब वो 10 बंदे काम करेंगे। वैसे भी सिंपल सा सवाल है। देखिए जी 20 बंदे 40 दिन में काम करें, बंदे 10 काम हो जाएंगे तो दिन भी तो उतने बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 9 है। ये 9 क्वेश्चन जो है ये भी पेपर में मैंने देखा है कि तकरीबन हर चौथे पेपर में ये खड़ा होता है, और सेम ऐसे ही खड़ा होता है। देखें जी, कंप्लीट द सीरीज 14 और 28 में कितना फर्क है जनाब? 14 का फर्क है। 28 और 20 में 6 का फर्क है। 20 और 40 में 20 का फर्क है। 40 और 32 में 8 का फर्क है। 32 और 64 में 32 का फर्क है। आप मुझे ये बताएं 14, 6, 20, 28, 32, यहाँ पर कोई फिक्स जो है डिफरेंस कहीं नजर आया आपको?
जब इस तरह की सिचुएशन बनती है फिक्स जो है ना, मतलब डिफरेंस नजर ना आए तो इसका मतलब वो डबल थ्री का होता है। इसको खत्म करें आप। अब डबल से चलते हैं। डबल से कैसे आपने करना होता है? डबल का आपको मैंने बताया हुआ है कि पहले को तीसरे के साथ, ठीक हो गया, पहले को तीसरे के साथ करेंगे और फिर तीसरे को पांचवें, पहले को तीसरे के साथ, तीसरे को पांचवें के साथ, फिर आगे इसी तरह दूसरे को चौथे के साथ, फिर चौथे को छठे के साथ। अब बारी किसकी है? अब बारी पहले वाले की है। इसका मतलब पहले वाले का जवाब आपने फाइंड आउट करना है। अब पहले इनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है इन दोनों का। 14 और 20 में कितना फर्क है? 6 का फर्क है। 20 और 32 में कितना फर्क है? 12 का फर्क है। अब देखें इधर जो फर्क आ रहा है वो डबल हो रहा है, 6 दोनों 12 जमा हो रहा है। अब ऊपर भी देख लेते हैं कि ऊपर भी इसी तरह है या नहीं है। 28 और 40 में कितना फर्क है? 12 का फर्क है। 40 और 64 में कितना फर्क है? 24 का फर्क है। अब देखें 12 और 24 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फर्क होगा वो दो से मल्टीप्लाई होगा। अगर अब मिसिंग है नीचे वाले का तो यहाँ पे फर्क कितना है? 12। तो अगला इसका मतलब कितना फर्क होना चाहिए? 24 का होना चाहिए। अब आपने 40 में 32 के अंदर यहाँ पर आप लिख दें 24, ठीक हो गया। देखें 14 में 6 जमा किया 20, 20 में 12 जमा किया 32, 32 में 24 जमा करेंगे 56, ठीक हो गया, क्योंकि मिसिंग पहले वाले का था। अगर ये 56 भी मौजूद होता फिर क्या करते जनाब? यहाँ 24 है तो इसका जो अगला यहाँ पर आता तो यहाँ पे 48 का फर्क होता। तो जनाब ये देखें 14 और 12 40, 40 और 24 64, 64 और 48 जितना भी आपके पास बन जाता तकरीबन 112 बन जाता, ठीक है। तो ये एक सवाल था जो इसका 56 जवाब देना दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर जनाब चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर जनाब 10 है हमारे पास, फाइंड द एवरेज। देखें जी आप एवरेज मालूम करते हैं, अरिथमेटिक मीन या मीन मालूम करते हैं, तो आप टोटल नंबर को जमा करके टोटल नंबर को डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ ऑल कमोडिटी डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड एवरेज। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि ये जनाब 5/6, 4/3, 3/4 ये कैसे निकालें आप? अब देखें जब एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि जमा करके डिवाइड किया जाता है। तो क्या करेंगे आप? 5/6 प्लस कर देंगे जनाब आप 4/3 प्लस कर देंगे 3/4। अब आप इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको पता है कि इसका कितना आएगा? 12 आएगा। जिसको एलसीएम लेना ना आए वो जनाब मुझे कमेंट्स करेगा, मैं उसको समझा दूंगा। 6 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 10 आ जाएगा। 4 बार जाएगा 16 आ जाएगा, 3 बार जाएगा तो 9 आ जाएगा। और इसी तरह क्योंकि आपको पता है कि जब एवरेज निकालते हैं द सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर, ये तो हो गया ना सम, ये वाला क्वेश्चन तो सम हो रहा है। टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3 है, टोटल भी 3 हो जाएंगे। अब देखें कितना आ रहा है, ये जनाब 35 आ जाएगा, 35/12 डिवाइड बाई 3, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए यानी 35/12/3 क्या होता है कि ये जनाब उलट हो जाता है। उलट मीन इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किस तरह होगा ये देखें, 35/12 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/3 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी ये तकसीम उलट कर देंगे 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जवाब क्या आ जाएगा? 35/36। तो ये जनाब सवाल है, तो ये जनाब करने का एक तरीका था जो आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अगर फिर भी आपको कोई इशू नज़र आ रहा है तो 35/36 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जनाब हम देखते हैं कि आगे कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 11 है हमारे पास, इफ 4x+13 बराबर है 7-2x देन द वैल्यू ऑफ x, कैसे करेंगे जनाब? ये देखें 4x+13 = 7-2x। इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, जो जिनके अधिसार x है हम उनको अलहदा करते हैं, जिसके साथ x नहीं है उनको अलहदा करते हैं। ये 4x है, जब ये माइनस में 2x है तो यहां पर आ जाएगा क्या हो जाएगा? 2x+ में हो जाएगा।
बराबर लगाएंगे, ये 60 इधर में ये प्लस का तेरह है तो इधर जाकर माइनस में 13 हो जाएगा। तो जनाब 2 4 6x हो जाएगा, बराबर है माइनस का 6 आ जाएगा। अब हमने तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस नीचे 6 डिवाइड करेंगे, ये 6 से कैंसिल होगा बाकी x बचेगा। इसका मतलब जब इधर डिवाइड करेंगे तो फिर इधर भी करेंगे, 6 से कैंसिल होकर जवाब क्या आ जाएगा, माइनस 1। ठीक हो गया, तो जनाब माइनस 1 इसका जवाब है, बहुत ही अहम सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, सवाल बहुत ही अहम है। कहते जी इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 30, यानी दो नंबर हैं कोई भी नंबर फर्ज कर लें, कहते हम उनको जमा करते हैं तो जवाब 30 आ जाता है। देयर डिफरेंस इज 8, जमा करते हैं 30 जवाब आता है, माइनस करते हैं आपस में तो जवाब 8 आता है। कहते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। अब सबसे पहली बात कि दो नंबर जमा करने से जवाब क्या आता है, 30। दो नंबर नफी करने से फिर क्या होता है जनाब, जवाब 8। असल बात उर्दू में लिखने का मतलब यह है कि आपको समझ आनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब है वो आपकी को है, क्योंकि आपको जब तक सवाल प्रॉपर समझ नहीं आएगा आप पेपर में सही नहीं कर पाएंगे, आपको एक सवाल की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। कहते जी दो नंबर हैं कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 24 और 6 है, 24 और 6 को जमा करके कितना बनता है, 30 बनता है। ठीक हो जी आप, और 24 में से 6 निकाले तो 18 बनता है, एक तरफ से ठीक है दूसरी तरफ से गलत है। यानी वो कहते हैं दो नंबर ऐसे हैं जिनको जमा करने से जवाब 30 आता है, माइनस करने पे जवाब 8 आता है। कहते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या मैंने बताया, ज़रब करें, कि उनका ज़रब बताएं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखें जी 24 प्लस करते हैं 6, जवाब 30 आ गया, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि आप इन दोनों को फिर माइनस करें, 24 में 6 करते हैं जवाब 18, ये जनाब गलत। अब हम क्या करते हैं, इसको काम करते जाते हैं और इसको बढ़ाते जाते हैं, 23 प्लस 7, 30 जवाब, 23 में से जनाब 7 निकाल दें जवाब आ जाएगा हमारे पास 16, इसका मतलब है ये भी गलत, क्योंकि एक तरफ से 30 आ रहा है लेकिन दूसरे तरफ से 8 तो नहीं बन रहा। अगली ट्राई करते हैं जनाब 22 प्लस 8, जवाब 30, और 22 में से 8 निकाल दें तो जवाब जनाब वाला हमारे पास 14 आता है, उधर 8 आना चाहिए, ये भी गलत जनाब। इसके बाद जनाब चलते हैं 21 पर, 21 प्लस 9, जवाब 30 आ रहा है लेकिन 21 में से -9 करते हैं जवाब 12 आता है, तो ये भी गलत। इसके बाद जनाब 20 पे चलते हैं, 20 प्लस 10 करते हैं तो जवाब तो 30 आ रहा है लेकिन 20 में से 10 माइनस करते हैं तो जवाब तो 10 आता है, ये भी गलत। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे जनाब हम 20 को हमने ट्राई कर लिया, अब देखते हैं 19 प्लस 11, जवाब 30 आ रहा है, 19 माइनस 11, जवाब 8 आ रहा है। अब देखें ये वो सूरत हाल है जो कि प्रॉपर यहाँ पूरी कर रहे हैं, 19 में जमा करते हैं 11 तो जवाब 30 आ रहा है, 19 में माइनस 11 करते हैं जवाब 8 आ गया। इसका मतलब है वो दोनों नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए, वो दोनों नंबर बनते हैं 19 और 11, तो क्या करेंगे 19 ज़रब 11 करेंगे, जवाब क्या आएगा, जवाब जनाब आएगा 11 99, 9 से 9 20, 209 जवाब आ जाएगा, 209 जवाब आ जाएगा। तो जनाब उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आपको पता है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर बताएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। तो ये जनाब हमारा आज का मैथ का टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। अच्छा, जो ऐसे स्टूडेंट मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, जो है तकरीबन 2,2500 से भी ज़्यादा फॉलोअर है,
ऐसे स्टूडेंट भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कंप्यूटर के भी माहिर होते हैं। जो आप में से कोई ऐसा बंदा जो कि हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन की क्वालिटी वीडियो बनवाने में मतलब थोड़ी सी मेरी रहनुमाई कर दे तो उनका बहुत शुक्रिया होगा। अगर ऐसा स्टूडेंट कोई हो तो जनाब मेरे से पर्सनल में रब्ता करेगा। तो जनाब आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा है, आपने हमारे इसको शेयर करना है और शेयर करने के बाद जनाब इसको लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।